हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजी लर्न में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों, मोशन सेंसर का कनेक्शन एलईडी लाइट से कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है सर दोस्तों, मतलब आज देखते हैं, ये नया एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, देखते हैं आज हम इस पे सक्सेस होते हैं कि नहीं। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? मोशन सेंसर से लाइट एलईडी लाइट कैसे कंट्रोल करते हैं। इसका हमने एक पावर एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सेंसर भी ले रखा है जिसे मोशन सेंसर बोलते हैं। अभी हम इसको ओपन करके भी दिखाएंगे। ये हमने एलईडी लाइट विथ होल्डर ले रखा है, इसमें हम पूरा कनेक्शन कैसे करते हैं ये पूरा दिखाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में हम सक्सेस होते हैं कि नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर हम सक्सेस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसको आप भी अपने घर पर प्रैक्टिकल मोशन सेंसर लगा के अपने यहाँ के लाइट कंट्रोल ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मतलब कहीं बाहर गए, ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाएगी, अंदर आए रूम के ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगी, मतलब बल्ब ग्लो करने लगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, नया चीज़ है, नई प्रैक्टिकल है, इसके बारे में देखो पूरा प्रॉपर कनेक्शन के तरीके से दिखाएंगे। अगर मैं सक्सेस हो जाता हूँ एक्सपेरिमेंट में तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नया फिर इस पर और भी R&D करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पावर कनेक्शन है। ठीक है, ये मोशन सेंसर है, आप देख रहे हो मोशन सेंसर में LNO, मतलब ये तीन कनेक्शन, तीन पॉइंट होते हैं। ये लाइन लाइन मतलब लाइन फेज होता है और ये न्यूट्रल होता है। ये आउटपुट मोशन सेंसर इस सेंसर में होगा और आउटपुट, ठीक है, ये हमारे घर की LED है। ठीक है, ये हमारे घर का स्विच बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, यही हमारे घर का स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड में आप कनेक्शन कैसे करते हैं? पहले ये मोशन सेंसर का लाएंगे, सीधा न्यूट्रल में लाइन वाला दे देंगे। ठीक है, और यही न्यूट्रल न्यूट्रल को भी लूप करके इसमें दे देंगे, किसमें? स्विच बोर्ड में। मतलब मोशन सेंसर को डायरेक्ट हम स्विच बोर्ड से कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब मोशन सेंसर जो होता है उसी को लूप, उसी के न्यूट्रल लूप कर देते हैं हम LED में। LED में आप जानते हैं ये LED आपको दिख रही है, इसमें एक देख रहे हो ब्लैक वाला न्यूट्रल दिख रहा है, एक येलो वाला आपका फेस दिख रहा है। तो ये ब्लैक वाला तार डायरेक्ट हम ये LED वाली जो लाइट है डायरेक्ट हम ये इससे दोनों से लूप कर देते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट स्विच बोर्ड में दे देंगे। लेकिन अब क्या है, LED लाइट में फेज कहाँ से देंगे उसको कंट्रोल? ये जो मोशन सेंसर का आउटपुट है यहाँ से होते हुए देख रहे हो, यहाँ डायरेक्ट LED में हम स्विच बोर्ड से नहीं देंगे, कहाँ देंगे? यहाँ से दे देंगे। ठीक है, अब जैसे हम स्विच बोर्ड का स्विच दबा देंगे, ऑटोमेटिक चलता रहेगा दोस्तों, ऑटोमेशन एक तरह का हो जाएगा आपके घर का। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला। ये हम मोशन सेंसर को ओपन करते हैं, फटाफट हम इसको ओपन किया हमने। ओपन करने के बाद आप देख रहे हो ये मोशन सेंसर है, इसके हम कनेक्शन ये आपको दिखा रखे थे। ये हमारा लाइन हो गया इसका, ये इसका न्यूट्रल हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। ये इसकी कनेक्शन हम फटाफट आपको दिखाते हैं। मोशन सेंसर के कनेक्शन करने से पहले इसके बैक कवर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ओपन कर लिया हमने, अब इसको कनेक्शन करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, ये हमने एक तार लिया और इसके लाइन ने कनेक्ट कर दिया, इसके मोशन सेंसर के लाइन में कनेक्ट कर दिया एक तार। ठीक है, ये फेज वाला तार है। देखो दोस्तों, अब हम न्यूट्रल तार ले लिए हैं, न्यूट्रल तार को हमने यहाँ न्यूट्रल वाले पोर्शन में मोशन सेंसर के कनेक्ट कर दिए हैं, जो एक हमारी सीधा जाएगी किसमें? LED लाइट में। देख रहे हो ये LED लाइट में जा रही है, ये वाली आपकी LED लाइट में जा रही है, ये ब्लैक वाली, और ये हमारी हम दे देंगे डायरेक्ट स्विच बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, और ये वाली जो लाइन वाली वायर है ये भी हम स्विच बोर्ड में दे देंगे। अब बचा है क्या दोस्तों? इसका आउटपुट, मोशन सेंसर का आउटपुट हम इसमें देंगे, इसमें LED लाइट के फेज में देंगे। ये वाली येलो वाली लाइन हम कनेक्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये वाली येलो वाली लाइन कनेक्ट हो गई। ठीक है, डायरेक्ट किससे? बल्ब से। ये देखिए, बल्ब से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब बचा हमारे ये दो तार, ये जो तार इसमें इनपुट जा रहा है इसको हम पावर कनेक्शन देंगे। ठीक है, किससे देंगे? स्विच बोर्ड से अब हम देंगे। चलिए दोस्तों, इसका पावर कनेक्शन इसमें स्विच बोर्ड में दे देते हैं। ये हमारा लाइन है, ये हमारा न्यूट्रल है। किसका न्यूट्रल है? मोशन सेंसर का, और डायरेक्ट लाइन बल्ब से कंट्रोल है। ये देखो, ये डायरेक्ट हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम इसके पावर को धीरे धीरे ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पावर को हम ऑन कर दिए, ऑन तो कर दिए, देखिए ऑन हो गया। ठीक है, देखो दोस्तों, हमने कनेक्शन कर दिया और इसके बाद पावर भी ऑन कर दिया। देखिए चल रही लाइट, अगर मैं यहाँ रूम में अवेलेबल हूँ तो हमारी लाइट जल, जैसे मैं रूम से बाहर जाऊँगा आपको दरवाजे की हल्की सी आवाज आएगी, वैसे ही हमारी लाइट 2 सेकंड बाद बंद हो जाएगी। देखना,
देखा दोस्तों, जैसे ही मैं बाहर गया था वो बंद हो गई थी, जैसे मैं अंदर आया फिर चालू हो गई लाइट। देख रहे हो आप, मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने पावर कनेक्शन लिख रहा, डायरेक्ट पावर वहाँ से पावर सप्लाई आ रही, ये मोशन सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ वैसे ये बंद हो जाती है, जैसे मैं अंदर रहता हूँ ये चालू हो जाती। देखिए फिर मैं बाहर जा रहा हूँ, देखिए फिर मैं अंदर आ गया, बंद थी फिर चालू हो गई। ठीक है दोस्तों, यही मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट हमारा सफल हुआ। आप भी अपने घर पे ऑटोमेशन के लिए ट्राई करिए, जैसे घर से बाहर जाएंगे आपकी लाइट बंद हो जाएगी, और जैसे घर के अंदर आएंगे आपकी लाइट जल जाएगी। ये आपके घर की एनर्जी, आपके यहाँ जितनी भी यूनिट बिजली खपत हो रही उसमें आपकी सेविंग होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।